तो मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने शॉपर वाले प्रोजेक्ट पे लास्ट वीडियो में यहाँ पे एडिट का पेज बनाया है, जिसपे क्लिक करके अभी हम लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया से डिस्क्रिप्शन को भी एडिट कर सकें। ऐसे टाइटल एडिट तो हो ही रहा है, तो डिस्क्रिप्शन को भी एडिट कर सकें और डिस्क्रिप्शन भी काम कर सकें। ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर paste.js में यहाँ पर ये देखो टाइटल फील्ड डाले थे और ये फील्ड टाइटल में आया, और यहाँ पे अपडेट का कोई अभी तक कंसेप्ट नहीं बनाया है। बनाएंगे तो पहले टाइटल का बनाएंगे, फिर इसके बाद बाकी चीज़ बनाएंगे। इसके लिए हम API बना रहे थे, याद है आपको? API बना रहे थे, तो API से जो भी हम फील्ड ले रहे थे उसको उस ऑब्जेक्ट आईडी में फील्ड को अपडेट करा रहे थे। अगर हम टाइटल के केस में कराएं तो टाइटल के ऊपर काम कराएंगे तो कैसे कराएंगे? देखो ये टाइटल फॉर्म है, इसके अंदर तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये खुद क्लाइंट है। ध्यान से देखो सब लोग, इसके अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि क्लाइंट है, तो यहाँ पे हम फंक्शन बना के उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाहर आ जाते हैं, ठीक है? और बाहर आने का मतलब ये है कि हम लोग ये कंसोल हटा देते हैं, ये आउटपुट में फालतू आ रहा होगा। तो टाइटल को अपडेट करने के लिए या किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? एक फंक्शन जो कि यहाँ पे नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन का नाम रखते हैं अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है? असिंक्रोनस कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसमें API चलाने वाले हैं, और यहाँ पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे वैल्यू, ठीक है? वैल्यू यानी फील्ड जो भी हमको अपडेट करना होगा, और कर्ली ब्रैकेट में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम अपडेट करने वाले हैं इसका API बनाए हैं, तो इसको कॉल कर लेते हैं, जैसे अवेट फेच, अपने इसमें फेच डाला। फेच डालने के बाद हम पूरा का पूरा लिखेंगे स्लैश API, फोल्डर का नाम है मेरा ये देखो, उसके अंदर स्लैश प्रोडक्ट ID। अब ये है कि प्रोडक्ट वैल्यू तो आएगा ही आएगा, उसका ID भी आना चाहिए, दोनों चीज़ पास करना पड़ेगा। तो किसको अपडेट करें? अच्छा एक्चुअल में ID मेरे पास है यहाँ पे, ये रहा देखो, तो हमको पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये फेच में वेरिएबल डाला जा सके। और इसके बाद स्लैश और कुछ है क्या? नहीं, हो गया। मेथड कौन सा होगा ये बताना होता है, कर्ली ब्रैकेट पुट होगा, और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डेट JSON, जो वैल्यू आ रहा है वो JSON में स्ट्रिंगिफाई होकर जा सकता है बॉडी में, भेज देते हैं। ये जो अपडेट प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है, इसके बाद हम लोग चाहो तो रिस्पॉन्स वगैरह कर सकते हो कि रिडायरेक्ट हो जाए वगैरह वगैरह, तो हम हर केस में रिडायरेक्ट कराएंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा रिडायरेक्ट आपका इंपोर्ट होना चाहिए, क्या है नहीं है, तो रिडायरेक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बैकटिक स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? देखो स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश उसका ID, आप ऊपर राउट देखो, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश व्यू प्रोडक्ट्स, हाँ ठीक है, और उसके बाद स्लैश डॉलर प्रोडक्ट ID, कहाँ से मिला? यहाँ से, ठीक है? तो हम लोग का रिडायरेक्ट पॉसिबल हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है अपडेट प्रोडक्ट का, इसको हम लोग पहले टाइटल फॉर्म में पास करते हैं, ठीक है? तो हैंडल अपडेट नाम रखते हैं प्रॉप्स का, आप पास कर देते हैं। ये हैंडल अपडेट अंदर चला गया टाइटल फॉर्म के पास, देखिए टाइटल फॉर्म के पास आया, टाइटल फॉर्म इसको एक्सेप्ट करेगा हैंडल अपडेट फंक्शन नाम से, और उसके बाद अंदर में इस जगह पे आपका जो टाइटल है वो देखो, यहाँ पे फील्ड दिख रहा है, ये जो टाइटल है आपको वो आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्स बनाइएगा, स्टेट बनाइएगा टाइटल से टाइटल, जो भी फील्ड है आपका उसी में चला जाएगा, यानी जो आ रहा है वो इनिशलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे अब आप टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इसमें ऑन चेंज लगा सकते हैं जो आप जानते हैं ऑन चेंज, और ये एरो फंक्शन ई सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसमें क्या है कि एक बटन है सबमिट करने का, वो यहाँ पे है, ये देखो गो, इस पर ऑन क्लिक लगाएंगे, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट कंपोनेंट होने की वजह से सब काम करेगा आराम से। और ध्यान रहे इसमें पैरामीटर पास करना है ऑफकोर्स, तो वैल्यू का नाम क्या है? टाइटल, जो अपडेट होना है। तो
तो अपना लॉजिक और मैकेनिज्म तो हम सेट कर दिया, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करना ज़रूरी है। तो रिफ्रेश होने देते हैं, पहले एरर का सामना करेंगे। आएगा ना एरर शायद। देखो यूज सर्वर मार्क एज ए यूज सर्वर टू नॉट पास डायरेक्टली। ये देखो ये जो यहाँ पर पास हुआ है ऑन सर्वर, इसको यूज असिंक्रोनस किए हैं, यूज सर्वर लगा देते हैं, ये सर्वर एक्शन हो गया। अब चेक करो क्या एरर आता है। अब कह रहा है कि यूज सर्वर, अच्छा सॉरी ये यूज सर्वर यहाँ ना देकर, नहीं नहीं ऊपर कहाँ लगे, नहीं नहीं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट और यूज सर्वर। ये मगर गड़बड़ होगा, पता नहीं कितना सही है, यही गलत है। यूज सर्वर है तो असिंक्रोनस होगा। ये देखो आया भयंकर वाला एरर, अपडेट प्रोडक्ट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा ये देखो मेरे गलती क्या है कि मैंने प्रॉप्स का नाम क्या रखा है, हैंडल, और अंदर में टाइटल में जो पॉइंट कर दिए सबमिट बटन के ऊपर उसका नाम अपडेट है, जबकि होगा क्या अपडेट, और ये ऊपर में देखो प्रॉप्स का नाम भी गलत हो गया। ठीक है वापस से रिफ्रेश और एडिट वन डाल के गो। अब क्या एरर है, फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली टू द क्लाइंट अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली एक्सपोज्ड इट बाय द मार्क यूज सर्वर मे बी मीन टू द कॉल ऑफ द रिटर्न। अब यहाँ पे भी पंगा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट यूज सर्वर क्लाइंट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये असिंक्रोनस, तब तो हम डायरेक्ट एक्सपोज कर लेते हैं। हाँ उतना दूर का सर्वर काम करेगा, और ये चीज़ हम यहाँ पे क्लाइंट तो कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, और वेट लगा देते हैं। सेमी कॉलम कहीं पे छूट रहा है, अंदर यहाँ पे कहीं रह रहा है। हाँ ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना शुरू किया लेकिन बंद नहीं किया। अच्छा इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे पास करते हैं, दिखाते देखो डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ देखो डेटा फिचिंग, नहीं यहाँ सर्वर एक्शन। देखो तुम अगर क्लाइंट कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट में सॉरी देखो अपडेट पास किया हुआ यहाँ पे, ठीक है ये तो हम भी किया है, ये कह रहा है पास कर सकते हैं। यूज क्लाइंट यूज सर्वर है, ये आपका सर्वर है, ये सर्वर आपका अलग बना दीजिए, और उसके बाद आप इसको बटन के अंदर में इंपोर्ट करके भी डाल सकते हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है, और कंपोनेंट में भी पास कर सकते हैं, कंपोनेंट में हमने पास किया, हाँ ऐसे ही कुछ तो है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं,
देखिए यहाँ पर कंपोनेंट ये वाला मेरा फंक्शन है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, ये फंक्शन को अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ ना बनाएं और किसी एक्शन में डाल दें, एक्शन में डालने के लिए मेरे पास फोल्डर है यूटिल्स, ठीक है, इसमें डाल सकते हैं। तो इसका नाम रखते हैं एक्शंस, यहाँ पे डाल JSX नहीं JS, क्योंकि XML आएगा नहीं कभी। और एक बार में यूज़ सर्वर लिख दिया, यूज़र सर्वर नहीं यूज़ सर्वर, ध्यान से देखो। अब फंक्शन डाल दिया तो ये मेरा एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, क्योंकि अलग फाइल में है तो एक्सपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट हो जाए और ये जो यहाँ पर हम इतना तामझाम किया, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं अपडेट प्रोडक्ट, इसको इंपोर्ट होना है। वेट कर लो जब तक हिंट ना आ जाए। देखो आ गया, यूटिलिटी से आया, लेते आए, यहाँ से इंपोर्ट हो चुका, देखो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो पास किए हैं हैंडल अपडेट को, अंदर लिए हैं, लॉजिकली एकदम सही होना चाहिए। हैंडल अपडेट अंदर ले लिए, अंदर लेने के बाद इसको ऑन क्लिक पे लगा दिए, ठीक है। ऑन क्लिक पे इसलिए लगा, ये टाइटल इस पास करना था इसलिए हम लोग एरो फंक्शन लगा दिए। अब क्या होता है कि हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो एरर सॉल्व है, नहीं है एरर, और ये वन। अब यहाँ सबमिट पे एरर आया है, वो प्रोजेक्ट आईडी वहाँ पास नहीं है, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखो मेरे एक्शन पे नहीं, मेरे मेरे एक्शन पे पैरामीटर पास एक और कर लेना है, प्रोडक्ट आईडी। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि प्रोडक्ट आईडी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ भी और यहाँ भी चाहिए था, तो पूरा हो गया। अब हम लोग जब पास करेंगे ना तो इसमें प्रोडक्ट आईडी भी पास करना है। तो मेरे पास जैसे टाइटल है वैसे प्रोडक्ट आईडी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें से एक और कॉलम ऐड कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। तो ये प्रॉप से मांग रहे हैं, हम प्रॉप से मांगने का मतलब हुआ जहाँ इसको कॉल किए वहाँ पास कर देंगे। तो हैंडल अपडेट जो जा रहा है उसके अलावा यहाँ पे कॉलम प्रोडक्ट आईडी भी पास होगा, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल है प्रोडक्ट आईडी, ऐसे नाम है क्या कुछ और, ये स्मॉल आई, देखो हो गया। तो प्रोडक्ट आईडी प्रॉप से पास हो गया, यहाँ से टाइटल में चला गया, टाइटल ये एक्सेप्ट कर लिया इसको इस नाम से, इस नाम से एक्सेप्ट करने के बाद नीचे लेकर आया और टाइटल के बगल में इसको पास कर दिया। तो मेरे जो मेरा जो सर्वर एक्शन है जिसका नाम है हैंडल अपडेट, वो एक्चुअल में है यहाँ, वो पास होके एक्सेप्ट कर लिया और पूरा डिटेल काम करेगा। तो हम बता रिफ्रेश करके दोबारा से चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो अब देखो क्या एरर है, ये कह रहा है कि जो आप URL बोल रहे हैं ना जहाँ जाने के लिए, वो URL सही नहीं है। तो इसके आगे क्या नहीं लगा हुआ है, देखो ये जो हम लगाए ना, इसके आगे हम लोगों को पूरा URL डाल देना चाहिए, http://लोकल होस्ट या 127, कौन सा चल रहा है, लोकल होस्ट: 3000/API/product/ ये। तो ये जो पूरा URL है कंप्लीट हो गया। तो दोबारा सब रन करेंगे, ये चलने का मतलब है कि मेरा सर्वर एक्शन चल गया, ये हुआ, ये एरर आया, रीडायरेक्ट इज नॉट डिफाइंड। आइए कहाँ आ रहा है, एक्शन में। देखो रीडायरेक्ट तो हम लोग इंपोर्ट किए थे वहाँ, एक्शन में तो नहीं किए थे, तो वापस से आते हैं एक्शन में, रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लो। हो गया, यानी मेरा सबमिट हुआ होगा, रीडायरेक्ट नहीं हुआ सिर्फ। रिफ्रेश, वापस देखो क्या एरर आता है। इंस्पेक्ट, 303 का एरर आ गया, रिडायरेक्ट का एरर है, जहाँ भेजना चाहता है। एक्चुअल में हमको रिडायरेक्ट यहाँ पे करना नहीं चाहिए,
यहाँ से सिर्फ रिटर्न कर देते कि हाँ हो गया सक्सेसफुली, ये रिडायरेक्ट इस तरह से नहीं कर पा रहा है। बट ये देखना पड़ेगा हमको कि डेटाबेस में मेरा गया कि नहीं गया। हाँ वो लगा सकते हैं, वही कर रहे हैं। तो ये रिडायरेक्ट वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग अवॉइड कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये इंपोर्ट कर लेना डॉट जेएसओन, और यहाँ पे दे देंगे मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा जब हम लोग, और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, स्टेटस 200 या स्टेटस ओके या कंप्लीट हो गया ऐसा करके डाल सकते हैं। तो ये मैसेज काफ़ी रहेगा, इंसर्ट होने के बाद ये मैसेज आएगा। और क्या है, ये वाला फंक्शन कहाँ प्रॉम्प्ट हुआ है, यहाँ। तो ये यहाँ से पैरामीटर से पास हुआ है। तुमको अगर ये ज़्यादा लंबा लग रहा है तो तुम एंटर मार मार के इसको साफ़ सुथरा कर सकते हो, देखो इसी तरीके से। तो इससे क्या होता है, कंपोनेंट और क्लियर हो जाता है। अब क्या है कि रिडायरेक्ट कराना है और अपना सर्वर एक्शन चलाना भी है, तो दोनों चीज़ को एक साथ कंडक्ट करते हुए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे पहले तो वो देख लेते हैं MongoDB में अपडेट का जो लाइन है वो पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि फेस्ट और रिडायरेक्ट तक पहुंच गए हम लोग, ठीक ठाक जा रहे हैं। कनेक्ट एक बार अपडेट होगा तो सब में काम आएगा। प्रोडक्ट देखो नाम चेंज नहीं हुआ, ये नाम चेंज होना चाहिए। और क्या पास करें, नाम, ओ टाइटल डाल दिया मैंने, और है क्या नेम। तो ये फील्ड का इशू है, फील्ड नेम का इशू है, तो टाइटल इज़ नॉट द टाइटल एक्चुअली। तो हम लोग इसका स्टेट का नाम बदलते जाएंगे फटाफट, देखो क्या नेम, असेट नेम, इसलिए नहीं बदला है क्योंकि मैच ही नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे टाइटल की जगह क्या हो जाएगा नेम, और यहाँ क्या हो जाएगा सेट नेम, रीजनेबल जगह जहाँ बदलना है। और यहाँ पे क्या पास होगा नेम। अब ये सब तो क्लियर कर रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहेगा। रिफ्रेश करते हैं, नया स्टेट नाम चेंज कर दिया मैंने स्टेट का। इसका स्टेट का नाम चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि इसी नाम से वेरिएबल बनेगा, इसी नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, तो प्रॉपर्टी का नाम मैच करना चाहिए। देखो सो 1 2 3 4 5 ऐड किए हैं, और ये आया यू हैव अ बैकग्राउंड इमेज एरर आया, ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट कैन पास टू द ऑब्जेक्ट। ये तो नहीं होना चाहिए एरर, वापस रिफ्रेश। ओनली कहाँ दिक्कत है, फील्ड, फील्ड को एक बार प्रॉप्स करके देखें क्या है, यहाँ पे भी आ रहा है। पुट मेथड चल गया है, ठीक है, उसके बाद हुआ है। बोलो कहीं कोई छूट गया क्या, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, हाँ क्या बोले, ये जो अंडरलाइन ये सब में आ रहा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब ये इस तरीके से कह रहा है आई कैपिटल कर दो, वो कह रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। यू कैन ओनली पास एन बिल्ट इन, यू कैन पास क्लाइंट कंपोनेंट फ्रॉम द सर्वर कंपोनेंट क्लास नल, क्लासेस आर नल और प्रोटोटाइप इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, ये अपडेट, ये अपडेट का लाइन, और इसका जो एक्शन है वो टाइटल, यहाँ वैल्यू आता है। एक काम करते हैं, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं एपीआई में,
तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और सिर्फ वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास उसको प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो वैल्यू प्रिंट हो जाए तो समझो हाँ। तो जस्ट ट्राई अगेन, एक बार हो जाएगा तो सब बॉक्स में आराम से काम करेगा। ऐड किया, ये डाला यहाँ पे नीचे इस जगह पे, देखो प्रिंट हुआ क्या। हाँ ये देखो प्रिंट हो गया, इसका मतलब टाइटल वैल्यू यहाँ तक आ रहा है मेरे पास, दैट इज़ वैल्यू। बट वैल्यू जो नाम से आ रहा है स्ट्रिंगिफाई में उस नाम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट वैल्यू ही जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आकर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके वैल्यू में डाल के देखें। बस पास कर देंगे, हो जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ से नेम पास किए, नेम बट एक ऑब्जेक्ट है ये, सॉरी वेरिएबल है, तो सिर्फ वैल्यू जा रहा है, हमको भेजना ऑब्जेक्ट है, यही चीज़ का एरर है, और ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग नाम भेज दिया, नाम यहाँ से गया, नाम का जो वैल्यू वहाँ वैल्यू में स्टोर हो गया और फिर वो प्रिंटर हो रहा है। तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदलने का तरीका एक हो सकता है कि नेम ऑब्जेक्ट में जाएगा, कर्ली ब्रैकेट डाला तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में प्रिंट होना चाहिए। ट्राई करते हैं। अब देखो नीचे, यस हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब ये प्लेन ऑब्जेक्ट वाला जो एरर है वो रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे कंसोल किया था खाली, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट में आ गया, इस सबको अनकमेंट कर देते हैं, और ये तो कमेंट कर दिया हम, रिफ्रेश। मोटे मोटे तौर पे वहाँ तक जो डेटा पहुँच रहा है वो अब सही फॉर्मेट में पहुँच रहा है। अब इसको ट्राई करो, स्टिल सेम एरर, अच्छे से इसको एनालाइज करो। यहाँ देखो तो रिफ्रेश हुआ, 1 2 3 4 5 अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अपडेट तो ठीक ठाक हो गया, ठीक है ना, ये देख पा रहे हो अपडेट हो रहा है। ये वैल्यू भी जा रहा है, अच्छा ये पहले से ही स्ट्रिंगिफाई है इसलिए इस डायरेक्ट वैल्यू डालो। ठीक है, हाँ मतलब स्ट्रिंगिफाई को फिर स्ट्रिंगिफाई कर रहा है। तो इसमें ऐसे देख लेते हैं कि क्या रिजॉल्व हुआ एरर, मतलब डेटा तो अपडेट हो गया, बस हम एरर चेक कर रहे हैं कि इसको अब हटाते हैं। इसमें लिखते हैं क्लिनिक प्लस, एरर कहीं और से, बट ये अपडेट हो रहा है ना, स्ट्रिंग में फाइल चलेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा, ये जैसा था वैसे रहेगा। आपको देखना बस इतना है कि जेसन रिटर्न में तो कोई गलती नहीं कर रहा, नहीं 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 ठीक है, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये लाइन को डाउट है अपने को। ठीक है, अपडेट का लाइन अपडेट हो रहा है, बस मुझे रीडायरेक्ट वाला स्थिति को सही करना है। देखो दिखाते हैं, क्लिनिक प्लस सबमिट, तो ये अपडेट हो गया है, बस पेज रिफ्रेश करके देखो तो अपडेट मिल जाएगा तुमको। बट ये जो एरर आ रहा है इसकी वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे, कोई और मैकेनिज्म लगाते हैं, दिमाग लगाओ यहाँ पर। ये हैंडल अपडेट है, इसको किसी एक फंक्शन में रैप कर लो, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इज इक्वल टू, देखो अभी रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है अपने पास, एक आ रहा है वैल्यू, सॉरी क्या रहा है, एक आ रहा है वैल्यू, एक आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, वट एवर। ये फंक्शन रन होगा अपडेट वाला, और इसमें भी दोनों पैरामीटर पास कर देंगे, प्रोडक्ट आईडी
ठीक है, ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो ये स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे हैंडल अपडेट, फंक्शन को रैप कर दिया बेसिकली, ये फंक्शन के अंदर डाल दिया ये फंक्शन। रैप क्यों किया कि ताकि यहाँ पे हम रिटर्न लगा सकें, रिडायरेक्ट लगा सकें, इसलिए स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स स्लैश व्यू, और इसके बाद यहाँ पे आईडी प्लस स्लैश, ये देखो लास्ट में इसलिए प्रोडक्ट आईडी डाल सकते हैं सर, नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। ये रैप करने की कोशिश किया है हम, लेकिन ये हमको सर्वर वाला एरर दे देगा, तब यू सर्वर इसको लगाना पड़ेगा तब। ये रैप क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग रिडायरेक्ट वाला कम से कम फीचर इनेबल कर सकें। बस अपने को सिर्फ रीडायरेक्ट कराना है, सब सॉल्व है। रीडायरेक्ट कराने का मतलब है एक्शन में रीडायरेक्ट। अच्छा छोड़ो, एक बार फंक्शन में डालेंगे तो सब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अब डिस्क्रिप्शन को भी सेम चीज़ करते हैं। देखो हम टाइटल में एनेबल करा चुके हैं, टाइटल अपडेट कर भी रहा है, बट पेज रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। उसको अगर सॉल्व करेंगे एक जगह तो दोनों में सॉल्व होगा। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्लिक करके ये वाला को कैसे एडिट करेंगे, तो मेरे पास दूसरा फॉर्म है जिसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। इसमें देखो यहाँ पर फील्ड पास हो रहा है और यहाँ पे लेवल पास हो रहा है, तो हम लोग के पास क्या पास नहीं हो रहा है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे, नाम होगा डिस्क्रिप्शन। ये सेम नाम रखो जैसे डेटाबेस में कॉलम का नाम, सेट डिस्क्रिप्शन, यूज स्टेट, फील्ड को डाल दो आगे यहाँ पे, और फील्ड को जहाँ दिखाते हो वहाँ दिखा दो, और ऑन चेंज भी लगा दो जो तुमको पता है, ई जो मतलब इवेंट है, सेट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ई डालो इवेंट के लिए, इसको जो वी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये जो ऑन चेंज है, ये हम लोग लगाने के बाद ये बटन टैग है यहाँ पर, हम लोग ऑन क्लिक लगाएंगे ताकि मेरा फॉर्म अपडेट हो। ऑन क्लिक में अपडेट हैंडल अपडेट नाम का फंक्शन पास होगा, हैंडल अप जैसे टाइटल में किया था वैसे ही, ये प्रॉप्स में पास होगा, यानी यहाँ पे पास हो गया। और इसके बाहर आ जाओ यहाँ पे जहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, देखो जैसे ये हैंडल अपडेट यहाँ पास हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी पास होगा। अगर तुमको एंटर एंटर मार के रखना है तो ऐसे रख सकते हो। और जैसे प्रोडक्ट आईडी इसमें पास हुआ है वैसे इस वाले कंपोनेंट में भी पास हो जाएगा। देखो तो डिस्क्रिप्शन का फील्ड वैसे ही तैयार हो गया जैसे टाइटल का फील्ड तैयार हुआ है। अब इसको चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ना एपीआई एक्स्ट्रा बनाना है ना तो उसका सर्वर एक्स्ट्रा बनाना है, सब वही यूज़ करना है। देखो चेकिंग टेस्टिंग डन और नॉट, ये वाला एरर का समाधान करेंगे अभी हम लोग। ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, अपडेट नहीं हुआ, एक बार क्रॉस चेक करो। अच्छा 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 एक गलती क्या किया, देखो ऑन क्लिक पे जो ये फंक्शन लिखे ना इसमें, इसको ना पैरामीटर पास नहीं किए, तो ये पैरामीटर ऐसे पास होता, एक होता है डिस्क्रिप्शन पहला पैरामीटर, तो वो कर्ली ब्रैकेट में पास करेंगे तभी ऑब्जेक्ट पास होगा, जैसे गलती वहाँ किए थे वो नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन। और दूसरा पैरामीटर हो गया प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोजेक्ट आईडी एक्सेप्ट ही नहीं किए प्रॉप्स में, वो भी करना है। रिफ्रेश करो एक और चांस, एक और बार क्लिक करो, टेस्ट करो, इस बार रिफ्रेश रिडायरेक्ट हो गया, कैसे हो गया, नया डेटा ऐड हुआ नहीं, यहाँ रिफ्रेश चेक करो, किसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें नाम क्या है डिस्क्रिप्शन, हाँ यही तो नाम है, इसको चेंज करना है अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन मेरा फील्ड में आ गया, फील्ड के अंदर से निकाले और यहाँ वैल्यू डाल दिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दिए, हैंडल में यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और डिस्क्रिप्शन पास, ओ दोनों ऑब्जेक्ट में चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में जाएगा। यही माइनर गलतियां जो हैं आपको ध्यान देनी है, आपका सिर्फ फील्ड जाता। ये दोबारा से रिफ्रेश हुआ पेज, ये डालो गो, वो एरर आया, इसका मतलब चला होगा, देखो अपडेटेड। यानी एक ही फंक्शन जो हम लोग बनाए हैं एक्शन में, उसी से दोनों चीज़ अपडेट हो रहा है, बट सिर्फ रिडायरेक्ट वाला इशू है, जिसके बाद ये पेज को रिडायरेक्ट करे और वापस अपने स्टेज पर लेते आए, ये अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे राउटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन, मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लेता हूँ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स करके ढूंढना होगा तुमको, यहाँ से सर्च कर लेते, रुको, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, देखो तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स में, नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट गेट ऑल डिलीट जेएसऑन रीडायरेक्ट, ये है, इसी का वेट कर रहे थे हम। देखो नेक्स्ट रीडायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये यूज़ करने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें रीडायरेक्ट पॉसिबल करा लेंगे। ये रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल क्या है, कहाँ से पंगा आया, यू आर एल वाला फंक्शन पता चलेगा, यू आर एल का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है चलो कर लेंगे रीडायरेक्ट पॉसिबल कर लेंगे, इसको हटाओ रीडायरेक्ट, और इसमें तुम यू आर एल सीधा डाल दो, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश व्यू स्लैश, और प्रोडक्ट आईडी तो मेरे पास यहाँ है ही, तो बैकटिक बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट आईडी, रिलोड का वेट करते हैं, वर्किंग, ये वाला एरर को रिजॉल्व करना ही पड़े, रिडायरेक्ट बोल रहा है कि यूआरएल आपका पूरा नहीं है, प्लीज़ यूज़ एब्सोल्यूट यूआरएल मिडलवेयर रिलेटिव यूआरएल, रिडायरेक्ट तक पहुंच गए हम लोग, एकदम आराम से रहेंगे और हम लोग इसको करेंगे पूरा, पॉसिबल वे क्या है, नहीं पेज एक्चुअल में, ये एक्शन में रिफ्रेश नहीं कर सकते, हम चाहते हैं एक्शन में जब हम लोग यहाँ से जाएँ, कोई बात नहीं, इसके अंदर में यूआरएल कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका ये बता रहा था वही यूज़ करते हैं, न्यू यूआरएल, तो न्यू कीवर्ड यूआरएल नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और यहाँ पे डाल दो पाथ, अब देखो क्या होता है, हर पॉसिबल तरीका ढूँढेंगे। देखो वर्किंग आने का मतलब क्या हुआ, एडिट हो गया, सिर्फ टेस्टिंग कर देते, यूआरएल इंपोर्ट नहीं हुआ, यूआरएल पूरा कैपिटल है, यूआरएल इसका कुछ इंपोर्ट नहीं होता है, ये अवेलेबल होता है, वापस एक बार और, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, आप एक बार संतुष्ट हो जाएंगे, आगे वाला आपके लिए बटन ये सब डिज़ाइन आसान हो जाएगा। अब इनवैलिड यूआरएल, पूरा यूआरएल डालना होगा, चलिए डालते हैं पूरा, मैं अवॉइड कर रहा था लेकिन लगता है डालना पड़ेगा, अपडेट तो सही सही हो रहा है, खाली हमको रिफ्रेश चाहिए, वो प्लेन ऑब्जेक्ट लेयर, हाँ नहीं रिडायरेक्ट, देखो मिडलवेयर है ये, यहाँ पे ना ये राउट हैंडलर कहलाता है, बिना नेक्स्ट रिक्वेस्ट के कुछ भी काम नहीं करेगा, तो ये सही है, ये रिडायरेक्ट का तो काम हो रहा है, देखो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि गेट मेथड पे ये वाला लाइन चला, इसका मतलब रिडायरेक्ट हुआ, बट जो एक्चुअल एरर है वो ये है कि जब हम पुट मेथड पे डालते हैं ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट जानेगा, यू कैन पास टू द क्लाइंट कंप्लेंट फ्रॉम द सर्वर कंप्लेंट, क्लाइंट कंप्लेंट से सर्वर कंप्लेंट में तुम पास कर सकते हो प्लेन ऑब्जेक्ट, तो हम सर्वर से क्लाइंट में जब पास कर रहे हैं तो प्लेन ही तो पर कर रहे हैं, तभी हाल है, तो हमको थोड़ा जाँचना पड़ेगा, नहीं तो जो हम लोग का काम है अपडेट का
वो हो गया है, पेज का रीडायरेक्ट का काम बच गया है, जो जो कि पॉसिबल इस एरर की वजह से नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ा सा हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या मामला है। सब तो ठीक ही लग रहा था, कहाँ हम पास नहीं कर पाए वही देख लें। यहाँ से कोई ऐसा डेटा है जो प्लेन नहीं है, प्लेन ऑब ये लेबल प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये क्या है इसको एक बार जांचे क्या। इसको एक बार जांचते हैं, रुको। कंसोल डॉट लॉग, कहीं ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आईडी में कुछ है। प्रोडक्ट आईडी डेटा टाइप प्लेन होना चाहिए, यही कह रहा है बार बार। प्लेन नहीं हो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी भी बाद में ऑप्शन है मेरे पास, ये नीचे देखो तो। एकदम प्लेन है, आईडी है ये, प्रोडक्ट आईडी। तो मैं चैट जीपीटी का सहारा लेता हूँ, रुको देखते हैं क्या मामला है। एरर को पॉइंट करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने चैट जीपीटी को कोड थमा दिया है, कह रहा है कि यू आर इनकाउंटरिंग बिकॉज द रिएक्ट सर्वर ओनली सपोर्ट पासिंग ए प्लेन जावास्क्रिप्ट लाइक एरे स्ट्रिंग एंड नंबर बट बिटवीन कॉम्पोनेंट हैंडल द क्लास एंड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉलो द प्लेन ऑब्जेक्ट पैटर्न। तो यू आर पासिंग यू हैव इशू लाइकली रिलेटेड विद द हैंडल अपडेट फील्ड एंड ऑब्जेक्ट टू द रिजॉल्व दिस पास अ प्लेन फंक्शन नॉट अ क्लास एंड मेथड नॉट सीरियलाइज्ड फंक्शन। इफ यू वॉन्ट टू पास अ सर्वर कॉम्पोनेंट यू हैव टू प्लेन फंक्शन मूव द लॉजिक टू द क्लाइंट सर्वर। ये देखो ये फील्ड को तो इनिशियलाइज करके ब्लैंक कर दिया, ये अपडेट है, ये नीचे लेकर आता है और यहाँ पे पास करें। हम कुछ अलग से पास किए हैं क्या, हम भी तो ये पास किए। इसके नीचे एडजस्ट द फील्ड अवॉइड अनडिफाइंडेड एंड हैंडल फंक्शन इंश्योर द कंट्रोलर फ्लो एंड फील ऑल द सपोर्टिंग। एकदम सेम काम किए। चलो इसको जज नहीं करेंगे अभी, हम इसका एरर का हम बग निकालेंगे फिर इसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी मोटे मोटे तौर पे हम लोग आपसे डिस्क्रिप्शन में एकदम बात कर लेते हैं कि हर फील्ड के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाए हैं हम। चलिए एकदम अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, हर फील्ड के लिए अलग कंपोनेंट बनाए जो कि यहाँ है। टाइटल फॉर्म बनाए, सारा काम अंदर में सब कुछ जैसे एडजस्ट करना वैसे एडजस्ट किए, फील्ड लिए, फील्ड लेने के बाद हम लोग डेटा के पास आ पहुँचे, नेम पास कर दिए। नेम पास करने के बाद ध्यान से देखो सब लोग, नेम पास करने के बाद क्या होता है कि वो चेंज होता है स्टेट, स्टेट चेंज होने के बाद ऑन क्लिक काम कर रहा है और ऑन क्लिक में हम लोग हैंडल अपडेट चला रहे हैं। हैंडल अपडेट का पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे डेटा को लेकर जाता है और दूसरा पैरामीटर किसको अपडेट करना वो है, यानी प्रोडक्ट आईडी है। तो अगर मैं तीन डॉट लगाऊं तो इसमें सेफ्टी आएगा, ऐसे मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहा हूँ। ये तीन डॉट मतलब जो जैसे वैसे रहेगा मेरा भी डाल दो। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में भी किया है, वही सब कुछ पास किया है, उसमें फील्ड का नाम डिस्क्रिप्शन है क्योंकि कॉलम का नाम भी डिस्क्रिप्शन है और हम लोग उसको अपडेट कराया बाद में जब क्लिक करते हैं। देखो ऑन चेंज पे अपडेट कराया है, यहाँ पे हम लोग उसको फंक्शन नाम को स्टेट को डाल दिया है। जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डेटा पास होगा। इस जगह पे हम ट्रिपल डॉट डाल देते हैं जिसका मतलब ये है कि हम लोग हैंडल अपडेट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पास हो जाए यहाँ से और ये हो जाए। हैंडल अपडेट क्या है, एक एक्शन है जो कि मेरा यूटिलिटीज में डाला हुआ है और एक्शन होने के लिए इसको यूज़ सर्वर डालना पड़ता है पहला लाइन, फिर रिडायरेक्ट वगैरह किया हुआ है। ये फंक्शन में क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर है, ये ऑब्जेक्ट है, वैल्यू क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या है एक स्ट्रिंग है जो इसमें आईडी है। अंदर आए फेच डेटा करके एक एपीआई चलाए जिसमें हम लोग को आईडी पास करना और साथ में बॉडी में डेटा पास करना। तो जो बॉडी है ये जेसॉन में स्ट्रिंगिफाई कर दिया और जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पास कर दिया, ऑब्जेक्ट इज़ द वैल्यू। जैसे डेटा पास किए, ये जो डेटा पास किए वो सबमिट करेगा पुट मेथड पे और अपडेट कर देगा। उसके बाद हम लोग रिडायरेक्ट का फंक्शन लगाए ताकि पेज पे रिडायरेक्ट कर सके, ये जो कि अभी यहाँ पे रुकावट आ रहा है। अब आते हैं एपीआई वाला फाइल में जो कि हम लोग बनाए हैं एपीआई फोल्डर के अंदर। देखो एपीआई के राउट्स में देखो, यहाँ पे हम लोग डेटा प्रॉम्प्ट से उठाए
और प्रोजेक्ट डायरी निकाल ली है। उसके बाद क्या किए हम लोग, अपने फील्ड में से जितना भी अपडेट करना वो लेते आए, यानी वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, जो भी है। अभी एक केस में फील्ड आएगा, एक केस में डिस्क्रिप्शन आएगा। वो जो भी लिए उसको आईडी को मैच कराए और जो अपडेट करना है अपडेट कराए। अपडेट होने के बाद हम लोग जेएसओन में उसको रिक्वेस्ट को भेज दिए। अगर हम इसको रिस्पांस को रिटर्न करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमको कंसोल कर सकता है कि किसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंसोल कर सकते हैं। खैर, तो ये जो फील्ड है इसके जगह पे हम लोग ऐसे मैसेज भी दे सकते हैं, MSG, और लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो फील्ड अपडेट हुआ उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, फील्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज भी डाल सकते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और एक बार और टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम माइनर चेंजेस किए हैं, कहीं उसका इम्पैक्ट आ जाए। देखो ये स्टिल ये एरर आ रहा है, हम देख लेंगे ये एरर क्यों आ रहा है। खैर, ये जो अभी हम लगाए हैं एक्स्ट्रा, वो क्या अपडेट हुआ, कैसे बच देगा क्लिनिक प्लस, वो ट्रिपल डॉट हटाना पड़ेगा बाद में, नहीं तो अपडेट भी नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा अपडेट। डिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं, वो हम ट्रिपल डॉट जो लगाए हैं अभी वो हटा देंगे। देखो यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, अपने कंपोनेंट्स में आना है, जो हम अभी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किए थे स्प्रिट ऑपरेटर लगा के, वो हटा देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, बाकी एज इट इज़ है, जैसे था वैसे ही। रिफ्रेश, एक अटेम्प्ट और। क्लिनिक, ओनली क्लिनिक, तो देखो अपडेट हो रहा है, बट मुझे रिडायरेक्ट वाला में अभी डाउट्स है। मैं कल क्लियर करके बताऊंगा आपको कि क्या इश्यू हो रहा है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं डीबग करने लगूँ। देखो दोनों चीज़ अपडेट हो रहा है और प्रॉपर हो रहा है। अब हमको ऐसे ही कॉलम सब ऐड करते जाना है, एक्स्ट्रा कोई फंक्शन नहीं बनाना है, बस नया कॉम्पोनेंट बनेगा और नया डेटा अपडेट होने का तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सारा काम कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बग छोड़ के जा रहे हैं, तब तक के लिए बाय।